शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव व जिले के नोडल अधिकारी दीपक कुमार की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा जिले के नोडल अधिकारी दीपक कुमार ने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई आए तो उसे शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए ताकि उसका त्वरित निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के साथ ही निर्धारित लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण किए जाएँ। प्रमुख सचिव ने कहा कि विकास शासन की प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और गोवंश के भरण पोषण तथा उसके इलाज रखरखाव की समुचित व्यवस्था हो। प्रमुख सचिव ने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी ने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता के साथ वितरित करने के साथ ही कहा कि खाद्यान्न उठान का शत प्रतिशत सत्यापन कराने के साथ ही यदि कहीं भी वितरण व्यवस्था में अनियमितता पाई जाए तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में शासन की प्राथमिकताओं में शामिल विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर CDO अनु सिंह सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहला बिंदु अवैध खनन के विरुद्ध हमारे बीच में ये मेंबर सब मौजूद हैं जो इसके नोडल हैं। ये मेंबर हमारी मंथली बैठक में डीएम साहब के दोनों बिंदुओं को देखते हैं सर, और ये नोडल स्टेट में नया गाइडलाइंस आपके लिए जो जारी हुआ है उसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में सबको बता रहा हूँ। जो आपको धान खरीद का या मानी का सर? नहीं, तो आप जैसे इस वर्ष का आपका कोई टारगेट 2500000 का 2500 करोड़ रुपए था हम लोगों ने इसमें, तो इसको अभी जब खनन प्रारंभ होगा तब जो रॉयल्टी मिलेगी उससे हम इसको अचीव कर सकेंगे। दूसरा एक नया सुझाव DM साहब ने दिया था जिले के समस्त अधिकारियों के लिए कि जितनी भी हमारे भवनों का निर्माण हो रहा है उसकी इस्टीमेट में एक मिट्टी का भी इस्टीमेट होता है, तो मिट्टी के इस्टीमेट के करेस्पॉन्डिंग जो रॉयल्टी बनती है इस्टीमेट से ही उसको कैलकुलेट करके वो रॉयल्टी जमा कराई जाए तो हम इसमें कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे। सर हमारे पास इस्टीमेट है सर, और कितनी मिट्टी उसमें प्रयोग हो रही है तो मिट्टी की रॉयल्टी उसके खिलाफ को जमा करनी पड़ेगी, इसलिए कि कहीं ना कहीं मिट्टी का खनन करेगा और हम मिट्टी के खनन का अवैध खनन मान करके इन्फोर्समेंट करके वो अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बनिस्पत अगर हम उस इस्टीमेट को ही देख लेंगे तो अगर उसमें जितना भी मिट्टी लग रही है उसके करेस्पॉन्डिंग जो रॉयल्टी लगती है वो जैसे सर ले माइनिंग में हमारा अचीवमेंट कुछ हो सकेगा सर। देखो जितना सर वो रॉयल्टी पेड है, रॉयल्टी के रॉयल्टी उसका वो पे नहीं करता सर, अभी मिट्टी कहीं से भी निकाल लेता है और उसकी रॉयल्टी कहीं पर पे नहीं करता, हमसे कोई परमिशन भी नहीं मांगता। तो यार तो वो दिखाए कि ऑलरेडी रॉयल्टी पेड है या आपको रॉयल्टी पे करें। जी जी जी, और सब प्राधिकरणों को मतलब प्राधिकरण से जो अधिकारी आए उनका कोई कमेंट आप लोगों को?
क्योंकि आप लोग भी तो कंस्ट्रक्शन एजेंसी हो, बाकी भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी की आप बैठी होंगी, आपके भी कमेंट्स पूछेंगे। सर जो प्रोजेक्ट हमारे होते हैं तो कंस्ट्रक्शन एजेंसी आप लोग कहाँ से, पीडब्ल्यूडी कोई इस पर आपके कमेंट और सर जिला पंचायत की तरफ से 24 गांधी हाउस हमारे संचालित है सर, और ग्राम स्तरों पर सर विकास खंड और मनरेगा की तरफ से सर 20 हमारे स्थायी आश्रय स्थल बनवाए गए हैं सर, और दो वृद्ध को संरक्षण केंद्र जिनमें से एक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है सर, तो विभाग की तरफ से पशुपालन विभाग की तरफ से, और एक का इस वर्ष पूर्ण होना प्रस्तावित है सर, तरफ बोला गया है सर उसमें हस्तांतरित की गई है सर आवश्यकता के अनुसार सर। राशि मिलती है 30 रुपए वाली सर, ये इस पे कोई कमेंट आपको पर्याप्त होता है कम होता है सर? कुछ प्रतिजल तो सर कम है सर, इसमें 30 रुपए में गोवंश का भरण पोषण पूरे दिन के लिए नहीं किया जा सकता सर, लेकिन इसमें इसके लिए सर एक प्रोविजन ये भी किया गया है सर डीएम साहब की तरफ से सर, एक कमेटी बनाई गई है जनपद स्तर पर गोकुल गोवंश आश्रय स्थल समिति सर, तो उसमें सर ये प्रोविजन है सर कि इसमें कॉर्पस फंड का जनरेट किया जाए जन सामान्य से और लोगों से दान के धनराशि से या किसी तरीके से कॉर्पस अगर एक बार जनरेट हो जाएगा सर तो उसको उसकी एफडी करा करके या उसमें से भी कुछ इस तरह से कार्य किए जा सकते हैं सर। इसमें जैसे सर प्रैक्टिकली सर 30 रुपए प्रति गोवंश दैनिक उनके भरण पोषण के लिए सर धनराशि कुछ कम है सर, ये कम से कम 50 से 60 रुपए तो होना आवश्यक है सर।